हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ क्लास टेंथ मैथ्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, विच टर्म ऑफ द एपी 12, 24, 36, 48 डैश 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 इज 228। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि हमारे पास एक सीरीज दे रखी है और हमें बताना इस एपी में 228 कौन से नंबर का टर्म आता है। तो देख, शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखिए हमारे पास जो एपी दे रखी है वो दे रखी है 12, 24, 36, 48 डैश डैश डैश। और हमसे पूछा गया, बताइए 228 इस एपी की कौन से नंबर की टर्म है। इसका मतलब ये जो हमसे पूछा है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ए ए एन ए एन हमें कितना गिवन है 228। ठीक है, एक पर्टिकुलर टर्म जिसको अपन एन बोल सकते हैं। नाउ हमारे पास जो एपी है उसमें जब सबसे पहला टर्म है वो क्या है, 12 है। तो हमारा जो ए है फर्स्ट टर्म वो कितना हो गया 12। और जो हमारा डी है, डी हमारा होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ए टू माइनस ए वन। 12, 24 माइनस 12 कितना बचेगा 12। तो हमारा डी कितना आ गया 12। ठीक है, अब हमें यहाँ निकालना एन। एन हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कौन से नंबर की टर्म्स यहाँ पर आने वाली है। सो जो हमारा एन होता है, हमारा जो एन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर एन इक्वल टू हमारा होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और हमको एन कितना दिया हुआ है 228, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें लिखा है 12 प्लस एन हमको फाइंड करना है और डी हमारा कितना है 12। तो 12 पहले इधर जाएगा माइनस होने के लिए, तो 228 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 12। 8 माइनस 2 हो गया 6, 2 माइनस 1 हो गया 1, तो हो गया 216 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 12। तो हमारा एन माइनस 1 कितना बचेगा यहाँ से, 216 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 12 से डिवाइड किया, 12 वन 12, 9 बचा रिमेनिंग, 96 हो गया। 12 8 96, तो ये बचेगा 18 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो 1 इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा एन, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19। तो यहाँ पर एन क्या आ गया 19, मतलब ये जो 228 है अपने कौन सी टर्म हो गई, 19th टर्म ऑफ द एपी। सो 228 इज 19th टर्म ऑफ एपी। सो दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।